इलेक्ट्रिकल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इमर्सन वाटर हीटर के बारे में जानेंगे। इमर्सन वाटर हीटर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसमें ये कोयल दिया गया है। तो ज़्यादातर हमें जब भी अब इसको परचेज करें तो ध्यान रखें कि कॉपर में रखें, क्वालिटी का अगर आपको लेना है तो ये कॉपर का दिया गया है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा आपके ज़्यादा। बाकी आप देखेंगे दूसरी धातुओं के आपके जल्दी ख़राब होते हैं। सेकेंड, इसमें जो मेन पार्ट्स है वो आपके सप्लाई केबल है। 3 पिन प्लग दिया होता है, इसमें 3 वायर्स होते हैं, अर्थिंग, न्यूट्रल और लाइन यानी कि फेज। इसके अलावा एक इसका कवर होता है और एक इसमें वाटर लेवल का लिए दिया होता है, इसमें ये वाटर लेवल के लिए, इसमें कि मैक्सिमम कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है। ये हमारे पास मर्फी कंपनी का है, तो मैक्सिमम इसमें ज़्यादातर आपके ये सप्लाई केबल ख़राब होती है। तो इसको कैसे, इस रोड को चेक करते हैं, कैसे सप्लाई केबल को चेक करते हैं तो वो देखते हैं। तो ये हमारे पास ये 2 वायर हैं जो सीरीज टेस्ट लैम के आ रहे हैं, जो टेस्ट ये सीरीज टेस्ट लैम के वायर हैं, इसे हम चेक कर रहे हैं। एक तो इसकी लाइन पे लगाना है, L लिखा है जिस पे, और रेड वायर के साथ में देखना है, तो लैम जलना चाहिए आपके। तो L से रेड वायर पे जल रहा है। अब ये दूसरे वायर पे चेक कर रहा हूँ तो नहीं जलना चाहिए। अगर एक वायर के अलावा दूसरे वायर पे जलता है, इसका मतलब है कि आपका केबल शॉर्ट है। फिर एक सेकंड वायर है इसका, वो आपके इससे बताना चाहिए, न्यूट्रल के साथ में ब्लैक वायर है यहाँ पे, तो ब्लैक वायर इसके साथ में बता रहा है और ये दूसरों के साथ में नहीं बताना चाहिए, अदरवाइज ये शॉर्ट है। नहीं बता रहा है इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, केबल के अंदर कहीं ना कहीं वायर टूटा हुआ हो सका है, प्लग से खुल गया है आपके, या बीच में कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हो गया है। तीसरा वायर है यहाँ पर अर्थिंग का, क्योंकि हमेशा ग्रीन कलर का वायर दिया होता है, ये वाला वायर इस ग्रीन कलर के वायर से जुड़ा होता है, तो लैम्प जल रहा है। तो फिलहाल हमारी ये केबल है, सप्लाई केबल, वो बिल्कुल ओके है। इसके बाद में हमें इसका हीटिंग रोड है, हीटिंग एलिमेंट है, चेक करना होता है। इसके अंदर नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है अंदर, और इसके अंदर एक अभ्रक का पाउडर भरा होता है। इन दोनों पर लगा के देखेंगे तो आपका सीरीज टेस्ट लैम्प जलना चाहिए इस तरीके से। तो सीरीज टेस्ट लैम्प जल रहा है, इसका मतलब आपका टेबल, आपका ट्यूब ओके है, हीटिंग एलिमेंट ओके है। नहीं जल रहा है इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं से ओपन सर्किट हो गया है, तो उस केस में आपको नया रोड ही लेना पड़ेगा। ज़्यादातर आपके यहाँ पे वायर वगैरह ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से वायर लगा सकते हैं इसको। इसके अलावा केबल में ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो आप केबल चेंज कर सकते हैं। कई बार ऊपर से ओपन सर्किट हो जाता है तो ये 3 पिन प्लग चेंज कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से एक इमर्सन वाटर हीटर को रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।